सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो तुम्हारा भाई आज बहुत लेट उठ रहा है, बोले तो 10 बजे उठ रहा हूँ भाई, पता नहीं क्यों। मतलब मैं शायद सोया नहीं था ढंग से, सैटरडे रात को ढंग से नींद नहीं आई थी। मतलब रात भर ऐसी है ना, रात भर ऐसी था उठा हुआ। तो कल रात को थोड़ा ढंग से सोया, तो इसलिए पता नहीं चला भाई सुबह भी होगी, ना अलार्म का पता चला ना कुछ। मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा आपको, लेकिन मार्केट ओपन हो चुका है 10 बजे से ही। पहले मार्केट आज 10 बजे से खुला है, 9:15 से क्या हुआ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हम मार्केट को थोड़ा सा 10 बजे से देखेंगे। 10:20 हो रहा है, वो हमारे अभी तक चार्ट आते थे क्लीन। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की सोच रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट हल्का सा गैप अप हुआ और पूरा एक बेरिश कैंडल आ गया है। ये वापस से स्टिल ट्राई कर रहा है निफ्टी में, और ये नहीं, ये था हमारा बैंक निफ्टी, और ये हमारा फिर निफ्टी में थोड़ा सा ये भी बेरिश मोड में नीचे आके जो ये बड़ा वाला कल का मूव था, इसको पूरा इसका ऑलमोस्ट 60-70% खा चुका है मार्केट। फिर इसके बाद आया हमारा निफ्टी, ये मूव आया और यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आया था हल्का सा बस, लेकिन यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा चुका है और नया हाई अपने लगाने लगा 19,631 के लेवल के आसपास है। चलो देखते हैं हम कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं ट्रेड और क्या चलता है। तो दोस्तों अमेजिंग सेटअप है ये सब, बिग बात है। मैं आपको बताया ना, जब मार्केट खुला तब आप सेटअप बना के रेडी करके रख लो। और अपना देखो 10% सीधा उठाया, स्कैल्पिंग मूव। और ये हमारा यहाँ पर मार्केट देखो, फर्स्ट क्या मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, क्या था इस एक रेंज हमारा। फिर इमीडिएट यहाँ पर एक बिग बार आ गया, तो मैं यहाँ पर सीधे स्कैल्प करने के लिए चला गया। और यहाँ पर हमें 2 कैंडल में 10% से ऊपर का हमारा क्या होता है प्रीमियम भाग चुका था। तो अभी जो हमारा प्रॉफिट आ गया 54,000, अभी 65 चल रहा है। मैं 60 पे उठा के इसको 66 पे एग्जिट मारा हूँ। थोड़ा सा मैं लेट ही पकड़ा था, बट सेटअप मेरे को दिख गया था, तो सेटअप के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त ये हो गया है। मैं इस वाली कैंडल पर 60 पे उठा के 66 पे एग्जिट कहीं पर मारा है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट एक तरीके से पोजीशन कहाँ है हमारी, ये रही 54,000 इसमें बन चुका है। वो काफ़ी सही हमारा फर्स्ट ट्रेड हो गया है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मार्केट देख रहे हो आप, पूरा का पूरा एक तरीके से हो चुका है साइडवेज, है ना। तो अभी अपन देखते हैं, आप कुछ म्यूजिक बजाते हैं। और आज है हरेला, हमारे यहाँ हरेला मनाया जाता है और उत्तराखंड वालों को अच्छे से पता होगा इस त्यौहार की वैल्यू और इस त्यौहार के बारे में। तो हम तो यहाँ पर काम वाम करते हैं भाई, घर वाले हैं नहीं, लेकिन हमारी दीदी है पर, तो मेरे लिए आ चुका है कुछ ज़बरदस्त भर के खाना। और पहले मैं खा लेता हूँ, लेकिन ये ऊपर से लेके आया था, तो इसने मेरा जो खीर है इसको नमकीन बना दिया होगा, तो नमकीन खीर खाएगा तुम्हारा भाई। जिसको इसको क्या कहते हैं वो है ना, बड़ा भाई, बहुत बड़ा है। ठीक है, हमारा छोटा बड़ा है, नाम बड़ा है लेकिन छोटा, हाँ छोटा बड़ा है, इसको बड़ा कहते हैं। और ये है होता है हरेला। तो दोस्तों हम सभी लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये कितना रिस्की सेगमेंट है और यहाँ पर कितना ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिस्क फ्री रिटर्न्स देगा। सो दोस्तों टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का काफ़ी ट्रस्टेड नाम है, और ये लेके आए है आपके लिए स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड, जिसका सब्सक्रिप्शन 23 जुलाई तक चलेगा। टाटा AIA ने दिसंबर 2022 में टाटा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड लॉन्च किया था, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हिट रहा। और शुरुआत से अभी तक इस फंड ने ऑलमोस्ट 11.9% तक का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इस फंड की NAV मात्र ₹10 है। मॉर्निंगस्टार पर टाटा AIA के 99% फंड 4 to 5 स्टार रेटिंग है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 34% ही है। दोस्तों टाटा के फंड्स ने लंबे समय तक 21% तक के रिटर्न्स दिए हैं और बेंचमार्क रिटर्न्स को भी बीट किया है। और साथ ही साथ यह आपको आपके मंथली प्रीमियम का 120 गुना लाइफ कवर भी देगा। तो दोस्तों आप इस NFO में मात्र ₹2,000 महीना से अपनी शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों टाटा के फंड्स की परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रेसिव है। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स ने पिछले 10 सालों में 19% तक रिटर्न दिए हैं, और दूसरी तरफ टाटा के फंड्स ने लंबे समय तक बेंचमार्क रिटर्न से 8% ज्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं। अंडर सेक्शन 80C पर आपको प्रीमियम के अंदर टैक्स के बेनिफिट भी मिलेंगे। अंडर सेक्शन 10D आपकी मेच्योरिटी भी टैक्स फ्री होगी फॉर एनुअल प्रीमियम अप टू 2.5 लाख। और तो और PolicyBazaar टाटा AIA का सर्टिफाइड पार्टनर है। तो दोस्तों ये फंड 10 जुलाई से 23 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जल्दी से जाइए और इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों आपको मैंने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट या एक क्या बोलते हैं आपके लिए क्या फायदेमंद चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए मैंने आपकी चीज़ें शेयर किया क्योंकि टाटा का अपने आप में एक नाम है और ये चीज़ आपको डिस्कस कर आपको शेयर करने के साथ साथ मैं ट्रेड एग्जिट नहीं किया हूँ अभी तक क्योंकि वो ट्रेड मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। तो मैंने अपना प्रीवियस डे का देखा था जो हमने लास्ट में तब ब्लॉग देखा होगा, उसके अंदर काफ़ी अच्छा मेरा एक प्रॉफिट था, लेकिन मैं उसको जल्दी एग्जिट करके निकल गया था, बट अभी अपन ने एग्जिट नहीं किया है। तो एक बार आपको मैं कहाँ मार्केट जा चुका है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है भाई, बहुत ज़बरदस्त है। आज भी अपना बैक टू बैक चल रहा है पूरे पिछले हफ्तों से, ऑल ग्रीन। क्या कहोगे भाई तुम अब? सिस्टम है भाई, है ना। तो जब लॉसेस चल रहे थे तब तुम्हें क्या लग रहा था? गयो। तो गयो। तो अभी अपनी तूने कि भाई नहीं भाई लॉसेस भी होते हैं, मतलब हमें खुद भी लग रहा था कि भाई क्या कर रहा है, अभी लॉसेस हो रहे हैं बैक टू बैक, लेकिन हो गया, बच गए। बल्कि तो कहाँ वो खाली लॉसेस का जो हिस्सा था उसका 5 गुना ऊपर जा चुका है उसका 5 गुना ऊपर जा चुका है भाई अपना सिस्टम, ठीक है। और अभी अपना ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ और उसके साथ ही आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँ क्योंकि ये सब जो आप देख रहे हो ये बहुत रिस्की होता है, इसके पीछे कैपिटल बहुत ज़्यादा लगा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको मैं वो भी चीज़ें बताऊँगा कि आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, लेकिन इससे पहले हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है जो हमने प्लॉट किया था। तो दोस्तों हमारे टारगेट के अराउंड ही मैं यहाँ पर 220 का एक्सपेक्ट कर रहा था, बट हमारे टारगेट के आसपास आके यहाँ रुक गया एकदम। इसने एक स्पाइक दे देना चाहिए था बट थोड़ा सा रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी शायद आप सभी में से कोई ना कोई तो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ आया होगा, जो आया था नीचे कमेंट करके जरूर बताया ना। यहाँ के आसपास इस जगह पर मैं आपको पुल बैक आया था, मैं बताया था बिग बार आया है, हमेशा थोड़ा वेट करो, यहाँ से अगर घुसोगे तो आप डर के मार निकल जाओगे, पुल बैक आएगा। तो मैंने यहाँ पर जो आपका फिन निफ्टी का 20,050 की जो आपकी कॉल ऑप्शन थी उसको 85 के अराउंड पे मैंने आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ पे 85 चल रहा है, ये हमें पुल बैक दे रहा है, तो यहाँ से हमें अच्छा खासा मूव चल आ सकता है भाई। वो 150 या उससे ऊपर ये चल रहा होगा, तो जितनों ने वहाँ पर ट्रेड लिया हो काफ़ी ज़बरदस्त। क्यों यहाँ पर ट्रेड में हमारे को कॉन्फिडेंस आया? इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़, यहाँ पर एक बुलिश मूव आया था और साथ ही साथ हमारा फिन निफ्टी में भी बुलिश मूव आया। ऐसा है, देख लो यार तुम 293 है भाई, देख लो यार सिस्टम हैंग करना चाहता हूँ। 300K वाली कैटेगरी में हमें भी डाल दो यार, तुम्हारे भाई को डाल दो, ठीक है। 300K वाली कैटेगरी में पहुंचा दो यार, फिर हम 500K में जाएंगे। तो आपके लिए कंटिन्यू ब्लॉगिंग चलता रहेगा, ओके। बाकी आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार, 300K तो पहुंचाने हैं बस, ठीक है। बाकी जो मैं लाइव क्लासेस आपको जितने भी मैंने कोर्सेज में बंदे ऐड किए हैं जो नहीं हो पाए, आप ऐप के अंदर जाके चेक कर सकते हो। 1000 रुपीज़ भाई मिनिमम प्राइस रखा हुआ है ना, और उसमें मैं लाइव चीज़ आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आपने ज्वाइन किया होगा कल तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या उसमें बताना आपको चाह रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए मार्केट को समझना। सिंपल सा सेटअप पर ट्रेड था, होल्ड कर लिया, थोड़ा सा गट्स कलेजा यहाँ गले पर था फिर भी, लेकिन जब प्रॉफिट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।